हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। करियर गाइडेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका या फेस्टी का है और इसमें हम देखेंगे लेसन टू। लेसन वन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, यदि आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उसे आप वॉच कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं आपका फाउंडेशन कोर्स जो है FST 1 में लेसन 2 देख लेते हैं, प्राचीन काल में विज्ञान। प्राचीन काल में विज्ञान किस तरह था इसके बारे में हम इस अध्ययन में पढ़ेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और उसे शेयर भी करिए और कमेंट्स करिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं ये आपका प्राचीन काल में विज्ञान। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में विज्ञान में चलिए देख लेते हैं प्राचीन काल में विज्ञान किस तरह का था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैंधव लोग जो थे तकनीकी के क्षेत्र में काफ़ी विकसित थे। यहाँ बड़े पैमाने पर समानांतर फलकों का निर्माण और मनके बनाने की कला, ताम्र और कांस्य वस्तुएं बनाने की कला इत्यादि काफ़ी विकसित थी। अमृत भांडों की बहुत थोड़ी प्रतिशत चित्रित है, यानी कि जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं उन्हें अमृत भांड कहा जाता था। और इसमें गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी पर काले रंग के ज्यामिति पुष्पाकार और प्राकृतिक डिजाइन बनाए गए मिट्टी के बर्तन भट्टी में पकाए जाते थे। और इस तरह के भट्टे मोहनजोदड़ो में 6 एवं हड़प्पा में 14 की संख्या में पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कांसा बनाना जानते थे और धातु की ढलाई का काम जानते थे और उन्हें ग्रहों एवं नक्षत्रों का ज्ञान था। सिंध में शुक्र के और रोहिणी में पत्थर के उपकरण बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। तो सामान्यतः नवंबर में सिंधु सभ्यता में फसल बोई जाती थी और अप्रैल में काटी जाती थी और खेती में पत्थर एवं कांसा के औजार प्रयुक्त किए जाते थे। कालीबंगा में प्राग हड़प्पा अवस्था के हल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, जितना पढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ जिस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं यही आपका विज्ञान है। अगर खेती की जाती थी तो खेती करने का क्या तरीका था, किस तरह से मिट्टी को जोता जाता था, ठीक है ना, कि मिट्टी को पलटी किया जाए, फिर उसमें किस तरह से बीज वगैरह बोए जाते थे, तो ये सब विज्ञान के अंतर्गत तो आता है। तो ये सब जो है विज्ञान के प्राचीन काल में विज्ञान किस अवस्था में था इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता से शुरू हुई और इसलिए यूनानी लोग इसे सिंडन कहते थे। और पेड़ पौधों के पीपल, खजूर, नीम, नींबू एवं केला उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसके अतिरिक्त राई, मटर, तिल, खजूर, सरसों, कपास, चना, रागी उत्तर भारत के किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं होता है। चावल की खेती गुजरात और संभवतः राजस्थान में होती थी। लोथल एवं रंगपुर से अमूर्ण मूर्ति में धान की जो भूसी लिपटी हुई मिली है। गुजरात के लोग हाथी पालते थे। तो इस तरह से आप जो है प्राचीन काल में विज्ञान के बारे में, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि आदि मानव समाज की विवेचना करना है, ठीक है। आदि मानव कैसे रहा करते थे, देखिए आदि मानव सबसे पहली बात कि वो कपड़े ही नहीं पहनते थे पहले के आदि मानव जो थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर को अगर ढकना शुरू किया, तन को ढकना शुरू किया, तो किन चीजों से ढकना शुरू किया, जानवरों की खाल से या फिर पेड़ पत्तों के पत्तों से बना के अपने शरीर को ढकना शुरू किया। रहने के लिए घर वो नहीं जानते थे क्या होता था, तो जानवरों को मार के उनकी गुफाओं में रहना शुरू किया। खाने के लिए कच्चे मांस का वो प्रयोग किया करते थे, जानवरों को पहले तो ऐसे कच्चे खा जाया करते थे। फिर बहुत टाइम बाद जब आग का आविष्कार हुआ तो आग के आविष्कार के बाद उन्होंने क्या किया, जानवरों को पका के खाना उन्होंने शुरू किया। तो इस तरह से आप जितना भी जानते हैं आदि मानव के बारे में वो सभी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि आदि मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और औजारों का उल्लेख करना। देखिए, जो आदि मानव हुआ करते थे तो उनके औजार जनरली क्या हुआ करते थे, पत्थर के वो औजार बनाया करते थे उस टाइम में जो है, ठीक है ना। मछली को पकड़ने के लिए, जानवरों को पकड़ने के लिए जनरली पत्थरों के औजार बनाए जाते थे और उसी से वो अपना भरण पोषण भी करते थे, क्योंकि जानवरों को मारते थे पत्थर के औजार से ही। और उसके बाद जानवरों को पहले आग का आविष्कार नहीं था तो कच्चा खाते थे, देन इसके बाद जो है जानवरों को पका के वो खाने लगे। और इससे एक आविष्कार उन्होंने पहिए का भी किया था, औजार के साथ साथ में उन्होंने पहिए भी बनाए थे, बहुत से मशीन के पुर्जे भी उन्होंने तैयार किए थे। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको एक बार बस पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कि उन्होंने क्या क्या काम पहले आदि मानव करते थे पत्थरों से, क्योंकि पत्थर से ही औजार बनाए जाते थे। और कौन कौन से औजार वो बनाते थे, किन चीज़ों में उपयोग में लाते थे उन औजारों का, ठीक है ना। जैसे जो जो बारीक नुकीले टुकड़े होते थे तो खाल सिलने के लिए सुई का काम वो करते थे। तो पत्थरों के जो नुकीले जैसे बारीक तो छोटे टुकड़े होते थे पत्थर को, तो नुकीले भाग से सुई का काम वो किया करते थे। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, जिसका PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, ओके।
जैसे यहाँ पे के औजार सिर्फ शिकार करने के काम नहीं आते थे, बल्कि लकड़ी जैसे नरम पदार्थों को छील कर सही आकार देने और हड्डियों से सजावटी सामान बनाने अथवा ठंड से बचने के लिए वस्त्र बनाने के काम में भी आते थे, है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि आदि मानव द्वारा खाना पकाने की विधि के विकास की विवेचना कीजिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि जब पहले जब तक आग नहीं थी तो आदि मानव जो थे तो ऐसे ही कच्चा ही जानवरों को मारते थे और खा जाते थे, लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ तो आग के आविष्कार के बाद उन्होंने उनको पका के खाना सीख लिया कम से कम, कि जो जंगली जानवर थे उनको मारते थे और उसके बाद क्या करते थे कि उनको पका के खाते थे, है ना, और भुना भून कर पका कर इस तरह खाना उन्होंने सीख लिया था, तो भुना हुआ मांस जो था उन्हें मिल गया था। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिए। मनुष्य को द्रव पदार्थों को उबालने में कुछ कठिनाइयां अवश्य आई होंगी। आरंभ में चमड़े के थैलों में पानी भरकर उनमें गर्म पत्थर डालकर पानी गर्म किया जाता था। ठंड में कैसे पानी पिया जाता, तो ये गर्म करने का तरीका होता था। और चमड़े के बर्तनों में पहले जरूर पानी रखा जाता था। चमड़े जो जानवरों को मारकर चमड़े खाल वगैरह निकाली जाती थी उससे थैले बनाए जाते थे, क्योंकि ऐतिहासिक स्थलों के निकट हमें इस तरह के गर्म और ठंडा करने के टूटे हुए पत्थरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है ये काम उन्होंने किया हो। पाषाण युग समाप्त के समय लोगों में यह ज्ञान हो गया था कि लेप किए हुए थैले गर्म करने पर चटक जाते हैं, जबकि मिट्टी के पके हुए बर्तन नहीं चटकते हैं। इसलिए मिट्टी के पके हुए बर्तन तैयार करना एक महान उपलब्धि थी प्राचीन काल की आदि मानव की, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आदि मानव के भाषा के उद्भव की विवेचना करना। आदि मानव के भाषा के उद्भव की विवेचना करना, उनकी भाषा क्या रही होगी, किसी चीज़ को कहने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, वो बात करते भी थे या नहीं थे, किस तरह की उनका किस तरह से अपनी बातों को दूसरों को समझाते थे, ठीक है ना। ज़्यादा अन्न का आपस में लेन देन शुरू किया, बोले गए शब्दों के मानकीकरण की आवश्यकता महसूस होने लगी, विचारों का आदान प्रदान सही ढंग से हो, ठीक है ना। उस इलाके में प्राप्त खास जानवरों और पेड़ पौधों के लिए विशेष प्रकार का नाम देना उन्होंने शुरू किया। इस तरह से आप यहाँ जैसे यहाँ पे है कि रंग शब्द का अर्थ लाल या खून का रंग होता था, बाद में पीला नीला हरा गुलाबी सभी तरह के रंग कहे जाने लगे, ठीक है ना। रंग गोरा या काला या फिर खून से, तो इस तरह की चीजों के लिए रंग का यूज स्टार्टिंग में होता था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विकास में क्या योगदान है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा यहाँ पे है कि निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों में हम विज्ञान के विकास को देख सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में विज्ञान किस अवस्था में था हम यही पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि आदि मानव की संस्कृति का विज्ञान के विकास में क्या योगदान है। तर्क संगत यांत्रिक की, ठीक है, पहले के लोगों का रहन सहन, किस तरह से कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, प्रेषण और वर्णन करना, लोगों ने अनुभव में यह पाया कि भूमि की उर्वरता मौसम के साथ बदलती रहती है, यानी किस तरह से भूमि को उपजाऊ बनाया जाए, किस सीजन में कौन सी फसल बोई जाए, किस सीजन में कौन से जानवरों को रखा जाए, ठीक है ना, और किस तरह से उनका भी पालन पोषण किया जाए, खेती के लिए उनका किस तरह से यूज किया जाए, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ओके, फिर है यहाँ पे वर्गीकरण जो तीसरा था, ठीक है। घटनाओं की समानताएं पाई गई जिनमें वर्गीकरण करने की जरूरत पड़ी, जैसे चेतन जीवधारी जड़ पदार्थ तीव्र इच्छाओं के रूप में हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि कांस्य युग में नगरों के विकास की विवेचना करना, कि कांस्य युग में नगरों के विकास किस तरह से नगरों का विकास हुआ कांस्य युग में। तो नगरों का विकास उस समय के लोग खाद्य पदार्थों के उत्पादन में नदियों के महत्व को भलीभांति समझने लगे थे, और वे यह भी जानने लगे थे कि प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके से सिंचाई करने के लिए नदियों का समुचित उपयोग किया जाए तो अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। तो नगरों का विकास जनरली नदियों के किनारे ही हुआ है, और जनरली देखिए आप जो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता की घाटी जो ये पाई गई है ये नदी किनारे ही पाई गई। तो इसका एक रीजन यही था कि लोग खेती उस वक्त करना जान गए थे, और जो खेती थी उसके लिए पानी कहाँ से मिलता, नदियों से मिलता था, तो लोग जनरली नदी या नहर के किनारे ही अपने घर बनाते थे और वहीं पे वो खेती करते थे ताकि उनको पानी मिल सके। तो एक मेन रीजन ये भी था सिंधु सभ्यता का कि नदी के किनारे बसने का। अगला क्वेश्चन है कि कांस्य युग के सामाजिक ढांचे ने किस प्रकार विज्ञान के विकास को अवरुद्ध किया है। सामाजिक ढांचे ने किस प्रकार विज्ञान के विकास को अवरुद्ध किया है कांस्य के युग में सामाजिक ढांचे ने। तो समाज की आवश्यकता पूरी करने के बाद जो फालतू अथवा अन्य खाद्यान्न बचते थे उन पर शासकों का एक छोटा वर्ग अपना अधिकार जमा लेता था, और यही लोग बाद में पुजारी और राजा बन बैठे। इन्होंने अपना एक विशेष वर्ग बना लिया। मूल प्रशासकों के उत्तराधिकारी धीरे धीरे कृषि की तकनीकी के उत्पादन था अन्य विधियों से संपर्क तोड़ते बैठे रहे, यानी कि सामाजिक ढांचा किस तरह से तैयार हुआ। तो यही था जिस तरह से इतने सारे वर्ग बन गए, तो किस तरह से इतने सारे वर्ग बने कांस्य युग में, तो इसके बारे में आप इसको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। भूमिकार साहूकार कैसे लोग बन गए,
कांस्य युग की सभ्यता, ये दिसंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अथवा कांस्य युग की विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की परिगणना कीजिए, अथवा कांस्य युग की कोई दो तकनीकी उपलब्धियों के बारे में लिखिए। ये दिसंबर 2016, जून 2017, जून 2008, जून 2010 और 2008 दिसंबर में क्वेश्चन पूछे गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो कांस्य युग की सभ्यता के बारे में या फिर कांस्य युग की विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों की परिगणना आपको करना है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से देख लेते हैं, हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। धातुओं का उपयोग उनको किस तरह से करते थे, किस तरह से धातु बनाते थे, किस तरह से बर्तन बनाते थे। ठीक है, परिवहन का उपयोग वो किस तरह से उन्होंने किया, ये सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। कांस्य युग में विकसित हो रहे शहरों में सामाजिक आर्थिक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि कांस्य युग में विकसित हो रहे शहरों में सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं और शहरों के बीच व्यापार संबंधों के कारण मात्रात्मक विज्ञान के अनेक व्यापार क्षेत्रों का विकास हुआ, इस कथन को समझा कर लिखना है, या फिर कांस्य युग में मात्रात्मक विज्ञान के व्यापक क्षेत्रों उपलब्धियों का आपको वर्णन करना होगा। दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन, 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको अवेलेबल करवा दूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर व्यवस्था का वर्णन करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर व्यवस्था का वर्णन जून 2009 में पूछा गया था। तो मैंने पहले क्या कि नगर व्यवस्था का वर्णन जो है, जनरली नगर व्यवस्था जो थी वो नदियों के किनारे ही देखी गई थी और सिस्टमेटिक तरीके से देखी गई थी। बकायदे नाली बनाई गई थी, बीच से पक्की सड़कें थी और सड़क जो गई थी उसके अगल बगल में ही घर बने हुए थे। ठीक है, चौड़ाकार घर बने हुए थे, तो मतलब इसे समझ में आता था कितने सिस्टमेटिक तरीके से उस समय भी वर्ण व्यवस्था थी, उस समय भी वर्ग व्यवस्था थी, किस तरह से सिस्टम के तरीके से घर बनाए जाए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसे हम ले लेते हैं। कांस्य युग की सभ्यता का पतन, कांस्य युग की सभ्यता का पतन जो है वो किस तरह से हुआ, अथवा कांस्य युग की सभ्यता के पतन के कारणों का आपको उल्लेख करना है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्थान दिए गए उनको भर लेते हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में डैश में जनसंख्या का अनुपात प्रति मनुष्य 25 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं था, तो भारतीय उपमहाद्वीप में आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए इसको। ठीक है ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युग में जनसंख्या का अनुपात प्रति मनुष्य 25 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं था। भारत में दक्षिण पूर्वी तट के रेत के टीलों में पत्थर के सूक्ष्म औजार मिले हैं, ये डैश ईसा पूर्व उससे पहले के माने जाते हैं, तो 3000 वर्ष ईसा पूर्व माने जाते हैं। लगभग 4000 वर्ष से पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक नील आपके टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, सिंधु और वांगो नदी की विशाल घाटियों में क्रमशः मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, इन चार महान सभ्यताओं ने जन्म लिया था। ठीक है ना, तो इन चार महान सभ्यताओं ने कब जन्म लिया था, 4000 वर्ष से 1500 ईसा पूर्व। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता काल जो है वो 2700 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। लगभग डैश जो तो लगभग 600 से 300 वर्ष पूर्व के ग्रंथ सुल्ब सूत्र में ज्यामिति प्रमेय और उनके सिद्ध करने की विधियों का विस्तृत विवरण मिला है। उसी तरह से सुल्ब सूत्र में जो है 2 का वर्गमूल इतना इतना 1.4 दिया गया है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये था आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपके अध्याय लेसन जो है वो 2 है हमने लिया है, प्राचीन काल में विज्ञान या फीएसटी से। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा ताकि सभी तक ये जो लेक्चर वीडियो है वो पहुँच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे दूसरे चैनल को जो ऑनलाइन प्रिपरेशन है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज से जो ऑनलाइन प्रिपरेशन है वो लाइव क्लासेस लेके रहा है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा सीटेट के लिए। और उसका टाइम जो है वो 3 PM है, 3 बजे से लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, तो आप उसमें जरूर ज्वाइन होइए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।